नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे गवर्नमेंट जॉब। ये बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि मेरे लाइफ में क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आइए, अपने हाथ को देखकर बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबको पॉसिबल ये चीजें नहीं होती है, ना मिल पाती है। लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं है या ऐसा आपके हाथ में योग बना है, तो आप अपने जीवन में सरकार या सरकारी नौकरी के साथ अवश्य जुड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। अगर आप सबने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं, सबसे पहले सरकार के साथ जुड़ने वाली वो कौन सी रेखा होती है। कहते हैं जीवन में ऊंचाइयों को पाना, जीवन में नेम फेम पाना, जीवन में अपने मकसद में कामयाब होना, अगर वो ग्रह है तो वो सन ग्रह है। जैसे सूरज की बात करते हैं, सूरज एक रोशनी देने वाला, एक प्रकाश देने वाला। लाइफ में अगर किसी के सरकार के साथ जुड़ता है, तो उसका जीवन लगता है कि धन्य हो गया है। कहीं ना कहीं वो जीवन में ऊंचाइयों पर अवश्य पहुंच जाता है, नेम फेम देता है और लाइफ हमारी स्टेबल हो जाती है। कहीं ना कहीं हम जीवन अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। कहते हैं सरकार के साथ जुड़ना, सरकार की कलम पावर की बात बताती है, अथॉरिटी की बात बताती है। तो सबसे पहले हमारी ये जो सन की फिंगर है, ये बड़ी होनी चाहिए। और ये छोटी छोटी रेखाएं, ये छोटी छोटी रेखाएं आगे की तरफ मूव करती हो। सारे पिक्चर इस हाथ में हो आपके, अगर दोनों हाथ में है तो और अच्छा है। ये इंडिकेशन करती है हम जीवन में करियर में आगे बढ़ेंगे, हम अपनी ऊंचाइयों को अवश्य अपने मकसद में पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा जो हाथ है ना, या तो गुलाबी कलर का हो या पिंक कलर का हो, ये दोनों हाथ सक्षम होते हैं मेहनत करने के लिए। और अगर गुलाबी हाथ बनता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में अवश्य राजयोग को भोगते हैं। तो पहली कंडीशन क्या बनती है, यहां पर एक आपको एक फेम साइन बननी चाहिए, जिसको हम फिश की साइन बनते हैं। ये पहली कंडीशन है, पहली प्रोसेस है। आपको फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फिश साइन, ये हमारी बुध की फिंगर और हमारी सन की फिंगर के बीच में होना चाहिए निशान। तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में फेम को अवश्य पाएंगे। और इसी प्रकार से देखें, और ये फेम की एक बड़ी सीधी सी रेखा, बड़ी सीधी रेखा का मतलब है कि जीवन में हमें ऊंचाइयों पे अवश्य पहुंचेंगे। अगर ये दो तीन रेखाएं होती तो कंफ्यूजन वाली रेखा बनती है, कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। और इसी के पास अगर देखें तो यहां पर भी एक छोटी रेखा हो, छोटा साइन हो, फिश की साइन होना अवश्य है, अनिवार्य है। अगर यहां पे छोटी बने या बड़ी बने फिश की साइन, ये दूसरा ऑप्शन बनता है। तो सरकार के साथ इसका कनेक्शन बना देता है। और यहां पे एक आपको वर्गाकार बने, वर्गाकार, ये वर्गाकार, वर्गाकार आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपके मन की उपलब्धियों की प्राप्ति करवा देगा। अब इसके साथ ही एक और ऑप्शन बनता है कि हम सरकार के क्षेत्र में जुड़ेंगे, कितनी अथॉरिटी के साथ जुड़ेंगे, हमारा नाम होगा। तो जब भी नाम की बात आती है, तो फेम की बात आती है, प्रशासनिक सेवा की बात आती है, तो एक यहीं से कनेक्शन, एक लाइन है, इसी से सीधा जाके गुरु के पर्वत पे जुड़े। क्योंकि गुरु जो होता है अथॉरिटी देता है, पावर देता है, और जीवन हमारा हमेशा आगे बढ़ने की प्रोग्रेस को बताता है। हम जीवन में अथॉरिटी प्राप्त करेंगे, बिना गुरु के अथॉरिटी नहीं मिलती है। और इसी प्रकार से जैसे हमने यहां पे फिश साइन को लिया है, तो दूसरी एक फिश साइन यहां पे भी बननी चाहिए, यहां पे भी बननी चाहिए। ये ऑप्शन है,
बिना इसके हम सरकार की कंडीशन को पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये फिंगर, ये जो फिश साइन बनती है गुरु के पर्वत या गुरु के फिंगर के बीच में और शनि के फिंगर के बीच में यहां बननी चाहिए, तो ये अथॉरिटी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे की जो हम सोच पैदा करते हैं निरंतर एक प्रयास की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें इंडिकेशन देता है कि हम अपने जीवन में कामयाबी के शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। इसी प्रकार से अब जब हम प्रशासनिक की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं तो यहां पर एक वर्गाकार बनना चाहिए, वर्गाकार। और ये वर्गाकार यहां पे बड़ी अथॉरिटी को दिखाता है, आपके मन की इच्छा को ये पूरी कर देता है। गुरु के अगर यहां पर्वत पर बनता है ऐसा साइन, तो जीवन में देखें आप अपनी उपलब्धि को और प्राप्त करेंगे। ये चार पांच कंडीशनें अगर आपके हाथ बनती है, एक फिट लाइन होना जरूरी है, फिट लेना लाइन जो है ये जरूरी है, क्योंकि बिना भाग्य के तो कर्म काम करेगा नहीं। अगर आपके भाग रेखा मजबूत है, इसमें भी किसी तरह का कोई कट पट या क्रॉस लाइन ऐसे सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये भाग्य प्रबल है और ये सारे इंडिकेशन है, तो आप जीवन में देखिए अवश्य सरकार के क्षेत्र से जुड़ेंगे। और यहां पर हमारी जो जीवन रेखा है यहां से कुछ ऊर्ध्वमुखी रेखाएं होनी चाहिए, ये इंडिकेशन देते हैं अपने जीवन में प्रोग्रेस की, तरक्की की तरफ देते हैं कि हमारी प्रमोशन होगी, हमारी तरक्की होगी। तो हमारी जो जीवन रेखा से निकलती हुई ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हैं जो जीवन को निरंतर सफलता के द्वार तक पहुंचाती है, इसका होना जरूरी है। हम जीवन में कितनी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे अगर हमारे मन की इच्छाएं ये ऊर्ध्वमुखी रेखाएं बताती है। और कई बार सवाल ऐसा आता है कि कब लगेगी चोट और कितनी एज में लगेगी, तो उसके कंफ्यूजन के लिए मैं आपको एक चीज और बताऊं। यहां पर जब भी आपके इस फेट लाइन के पास, चाहे छोटी सी हो या बड़ी सी हो, अगर छोटी होगी रेखा तो छोटी पोस्ट को रिप्रेजेंट करती है, बताती है, लेकिन अगर ये फिश साइन यहां पर बड़ी होती है तो उस एज के दौरान आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब यहां पर अगर आपके फिश साइन बनती है तो ये सरकार की नौकरी के मिलने के पीरियड को बताएगी, टाइम को बताएगी। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।